नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। निर्भया गैंगरेप केस के चारों दोषियों को अलग अलग जेल से लाकर तिहाड़ जेल में रखा गया है। तिहाड़ जेल में उत्तर प्रदेश के एक जल्लाद को बुलाने की व्यवस्था की जा रही है। इतना ही नहीं, बिहार की बक्सर जेल में तैयार फांसी देने वाली 10 रस्सियां भी मंगवा ली गई हैं। ये सभी इंतजाम से ये साफ हो चुका है कि निर्भया के दोषियों को कभी भी फांसी की सजा दे दी जाएगी। लेकिन इन चार दोषियों के अलावा देश में 35 और ऐसे जघन्य अपराध के दोषी हैं जिन्हें फांसी दी जानी अभी बाकी है। इन 35 लोगों में से वो चार महिलाएं भी शामिल हैं जिन्हें फांसी के फंदे पर लटकाया जाना है। इनके अपराध इतने संगीन और भयावह थे कि इनकी दया याचिका को राष्ट्रपति भी खारिज कर चुके हैं। इन चारों महिलाओं में हरियाणा की सोनिया, उत्तर प्रदेश की शबना और महाराष्ट्र की रेणुका और सीमा है। इन चार महिलाओं की फांसी पर भारत के राष्ट्रपति भी अपनी मुहर लगा चुके हैं। आइए जानते हैं कि क्या थे इन महिलाओं के अपराध। सोनिया के पिता हिसार के विधायक रेलू राम थे। प्रॉपर्टी के लालच में 23 अगस्त 2001 को सोनिया और उसके पति संजीव ने मिलकर रेलू राम व उसके परिवार के 8 लोगों की हत्या कर दी थी, जिसके बाद 2004 को सेशन कोर्ट ने इन्हें फांसी की सजा सुनाई थी, जिसे बाद में 2005 को हाई कोर्ट ने उम्र कैद में तब्दील कर दिया। बाद में 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने वापस से सेशन कोर्ट की सजा बरकरार रखने का फैसला दिया। शबनम ने 15 अप्रैल 2008 को यूपी के अमरोहा डिस्ट्रिक्ट में 7 लोगों का कत्ल कर दिया था। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में वावनखेड़ी गांव की निवासी शबनम ने रात के लगभग 1:30-2 बजे अपने परिवार के 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। उसका प्रेमी सलीम आगरा सेंट्रल जेल में बंद है। शबनम और सलीम का बेटा अब करीब 11 साल का हो चुका है। दोनों ने राष्ट्रपति के पास दया याचिका दाखिल की थी, लेकिन इस जघन्य अपराध को देखते हुए राष्ट्रपति ने उनकी दया याचिका को खारिज कर दिया। आखिरकार 7 लोगों को जान से मारने वाली शबनम को सरकार फांसी कब देगी और इस गांव को शबनम नाम से कब निजात मिलेगी, इसका सभी को इंतजार है। पुणे में यरवदा जेल में बंद दो औरतें 23 साल से बंद हैं। ये वही जेल है जहां कसाब को फांसी दी गई थी, जहां संजय दत्त को बंद किया गया था। 23 साल से बंद ये दोनों सगी बहनें हैं, बड़ी रेणुका और छोटी का नाम सीमा है। दोनों फांसी का इंतजार कर रही हैं। इन दोनों ने 42 बच्चों की बेरहमी से हत्या की है। इसके बाद पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के समक्ष में क्षमा याचना की, लेकिन साल 2014 में प्रणब मुखर्जी ने दोनों बहनों पर कोई रहम नहीं किया और अदालत के फैसले से ही सहमति जताई। इस तरह दोनों बहनों के लिए फांसी की सजा पर आखिरी मुहर लग चुकी है। लेकिन फांसी कब, किस घड़ी, किस तारीख, किस महीने में होगी, ये फिलहाल तय नहीं है। अगर इन दोनों बहनों को फांसी लगती है तो भारत में आजादी के बाद फांसी के तख्ते पर लटकने वाली ये पहली औरतें होंगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।